वेलकम बैक संजीव कपूर किचन में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और गुजरात की एकदम ट्रेडिशनल डिश, वैसे गुजरात क्या और बहुत जगहों पर भी ये बनती है। अब दूध के साथ में मीठी चीज़ें हमारे यहाँ पर नहीं बनेंगी तो कहाँ पर बनेंगी? चीन में या चाइना में दूध का बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब देखिए वहाँ की जो चाय है, चाय में भी वो लोग दूध नहीं डालते। अब सोचिए कि चाइनीज़ कौन सी चीज़ है जिसके अंदर दूध का इस्तेमाल होता है, नहीं मिलेगा। तो ये जो है दूध के साथ में हम बना रहे हैं बासुंदी, और वो भी कस्टर्ड एप्पल बासुंदी, और कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल। अब ये मेरे पास जो है ये कस्टर्ड एप्पल, और ये देखिए आराम से ये खुल गया, और ये कस्टर्ड एप्पल। सबसे मुश्किल काम इसमें क्या होता है, तो ये जो बीज है ये निकालना होता है। तो इस बीज को निकाल दें, और वो जो मैंने रखा हुआ है दूध धीमी आंच पर उसको पकने दें, क्योंकि जो बासुंदी है उसमें सबसे ज़्यादा समय तो लगता ही है दूध को उबालने में, उबाल के धीमी आंच में पकाने से। वाह, दूध पे नज़र रखें आप। पहले जो दूध है उसको किसी गहरे बर्तन में ना लें, थोड़े फ्लैट बर्तन में लें तो जल्दी वो रिड्यूस होता है। और उसके बाद ध्यान रखें कि उसको चलाते ज़रूर रहें। और इसमें फिर हम डाल देते हैं चीनी, तो ये डालकर इसे भी अब हम पकने देते हैं। चीनी डालने से ये फायदा होता है कि जब इसको आप पकाते हैं तो इसका जो रंग है वो थोड़ा और लाल हो जाता है। तो ये इसको और पकने दें और इसे थोड़ा और गाढ़ा कर लें। और इसके बाद ये जो है इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए ये बासुंदी के लिए, और ये जो है इसे आप इसी तरह से फोक से मैश करके और फिर इसके अंदर डालें। और ये जो है अभी और भी मेरे पास है, ये देखिए ये जब बाहर पड़ा रहता है तो थोड़ा लाल हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उसके बाद इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसके अंदर आपने कुछ और फ्लेवर वगैरह नहीं डालना है। कुछ लोग इसे थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं और काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें डालते हैं, लेकिन जब सीताफल हो, जब शरीफा हो, तो कुछ और नहीं चाहिए, बस इसी तरह से इसको मिक्स करना है। वाह, इसमें कस्टर्ड एप्पल का टेस्ट है या नहीं वो चेक करना बहुत ज़रूरी। टेस्टी, डिलिशियस। और अब मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से कितना मैं खा सकता हूँ। वैसे अगर कोई शर्त लगी हो तो मैं सारा का सारा खा सकता हूँ, आप भी खा सकते हैं। अब कितनी देर में खाना है वो बात है ना। मैं एक साल में इसको खा सकता हूँ, दो साल में खा सकता हूँ, छः साल में खा सकता हूँ। मैं जानता हूँ आप पाँच मिनट में खा सकते हैं, मुझसे शर्त लगाएंगे तो शायद मैं तीन मिनट में खा लूँगा, लेकिन आपके पास तो है नहीं, मेरे पास है। तो मेरे पाँच मिनट जो हैं वो कम हैं, आपके तीन मिनट बहुत ज़्यादा हैं। आप जब बनाएंगे तब तक तो दो घंटे लग जाएंगे, तब तक मैं खाता हूँ, आप समय गिनिए। सीताफल बासुंदी बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 लीटर दूध, एक बड़ा सीताफल और आधा कप चीनी। सीताफल बासुंदी बनाने के लिए सबसे पहले सीताफल के बीज निकाल कर गूदे को रेफ्रिजरेटर में रखें। अब एक गहरे नॉनस्टिक पैन में दूध उबाल लें, फिर आंच को धीमी करके लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक दूध आधा हो जाए। अब डालें चीनी और उसे अच्छी तरह घुलने दें, फिर इसे ठंडा होने दें। सीताफल के गूदे को फोक से मैश कर लें और पके हुए दूध में डालकर अच्छी तरह मिलाएं और ठंडा ठंडा परोसें। यदि आज आपने हमारी कोई रेसिपी मिस की है तो आपको चुनी हुई रेसिपी मिल सकती है गृहलक्ष्मी मैगजीन के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं खाने की, खाने में इतनी हेल्दी चीज़ें बनाई हैं, इतनी टेस्टी चीज़ें बनाई हैं। अब बनाने में हर चीज़ में मेहनत तो लगती है, आप खाना जब भी बनाएं उसमें थोड़ा सा प्यार, थोड़ी मेहनत ज़रूर डालें, फिर देखिए उसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, छुगना हो जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या, दुगना चौगुना छोगुना? नहीं, छः गुना तो होता है, खैर कितने गुना भी हो आप इसके गुण ना गिनें, बस ये देखें कि खाना आप जब भी बनाएं उसको प्यार से बनाएं, ढेर सारा बनाएं। कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं घर पे
उनके लिए खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। अब खाना बहुत ज्यादा भी ना बनाए, पता चले ज्यादा बना के फेंक रहे हैं। खैर कितना बनाना चाहते हैं आपको पता है, मैं कौन होता हूँ आपके घर में आकर आपको बताने वाला? जी नहीं, मैं बहुत कुछ होता हूँ आपके लिए, आपकी किचन में आपका साथ देने के लिए। आपके पास कोई भी टेंशन हो किचन से रिलेटेड तो मुझे लिखिए, हमारी वेबसाइट है foodfood.com या फिर sanjeevkapoor.com पर और facebook.com/foodfood पर भी अपने कमेंट्स जरूर भेजें। आज बस इतना ही, नमस्कार।